अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजमल ख़ान और आप देख रहे हैं पाक्स टोवर। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, तो चलो चलते हैं और इस खूबसूरत किस्से का शुरुआत करते हैं। इस किस्से का नाम है एक मुख्तसर और पुरअसर किस्सा। एक नेक और मर्दार शख्स ने अपना किस्सा लिखा है कि एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ और चंद कोशिश की कि दिल बहल जाए, परेशानी का बोझ उतरे और बेचैनी कम हो, मगर वो बढ़ती ही गई। बल आखिर तंग आकर बाहर निकल गया और बेमकसद इधर उधर घूमने लगा। इसी दौरान एक मस्जिद के पास से गुजरा तो देखा कि दरवाज़ा खुला है, पर इस नमाज में किसी का वक्त नहीं था। मैं बेसाख्ता मस्जिद में दाखिल हुआ कि हुजू करके दो चार रकात नमाज अदा करता हूँ, मुमकिन है दिल को राहत मिले। वज़ू के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक साहिब को देखा, खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रही है और काफ़ी बेकरार है। गौर से इनके दुआ सुनी तो कर्ज उतारने के पर याद में थे। उनको सलाम किया, मुसाफिया हुआ, कर्ज का पूछा, बताने लगे कि आज अदा करने की आखिरी तारीख है, अपने मालिक से मांग रहा हूँ। उनका कर्जा चंद हज़ार रुपये का था और मैंने जेब से निकाल कर दे दी। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े और मेरे दिल की बेचैनी सुकून में तब्दील हुई। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर पेश किया कि आइंदा जब ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर ले, ये मेरा पता है और ये मेरा फ़ोन नंबर। उन्होंने बगैर देखे कार्ड वापस कर दिया और फरमाया, ना जनाब, ये नहीं, मेरे पास उनका पता मौजूद है जिन्होंने आज आपको भेजा है। मैं किसी और का पता जेब में रख कर उनको नाराज़ नहीं कर सकता। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये किस्सा पसंद आए हो। अगर किस्सा पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो तन्हा कौन है, अल्लाह हू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाह हू अल्लाह। मेहरबान वो